नमस्ते दोस्तों, देसी फ्लेवर्स वयारूसी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी कॉर्न। ये बेबी कॉर्न आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आज मैं इससे क्रिस्पी बेबी कॉर्न का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दिखाती हूँ कि इसको मैं कैसे बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगेंगी चीज़ें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्च, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ये सब थोड़े थोड़े लगेंगे। साथ में हमको चाहिए कॉर्नफ्लोर, मैदा, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, अदरक और लहसुन दरदरा किया हुआ फ़ौरन के लिए, नमक, काली मिर्च, हल्दी और साथ में थोड़ी सी दो चुटकी भर चीनी लगेंगी। सबसे पहले मैं इन बेबी कॉर्न को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आइए दिखाती हूँ कैसे काटूंगी। ऐसे ऐसे काट के बीच से सभी को ऐसे ही काटना है। देखिए सभी को मैंने काट लिया है। अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। हमको 10 मिनट तक इसको बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। पानी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दी। अब कटे हुए बेबी कॉर्न को इसमें डाल देती हूँ, डाल के ढक दूँगी। जब तक हमारा बेबी कॉर्न उबल रहा है तब तक हम बाकी सब सामानों को काट लेते हैं। बेबी कॉर्न को मैंने उबाल के इसमें निकाल लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी। बेबी कॉर्न थोड़े ज्यादा हैं इसलिए मैं 4 बड़े चम्मच मैदा डालूंगी। कॉर्नफ्लोर भी 4 बड़े चम्मच। साथ में थोड़ी काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी को मैं मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तेल गरम हो चुकी है। अब मैं इनमें बेबी कॉर्न को फ्राई कर लूंगी। पहले हल्का फ्राई करूंगी, फिर दोबारा से डीप फ्राई करूंगी। सभी बेबी कॉर्न को मैंने पहले हल्का फ्राई किया है। अब मैं फिर से इन्हें दोबारा से फ्राई करने जा रही हूँ। फिर से हम इसको दोबारा फ्राई कर लेंगे। दोबारा फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रंची होंगे। सभी को मैंने दोबारा से फ्राई कर लिया है। आवाज़ सुन रहे हैं कितना क्रंची है। तेल गरम हो चुकी है। मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। साथ में मैं शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च और प्याज सब एक साथ डाल के फ्राई करूँगी। पका लूँगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट। ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इनमें जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही देना है क्योंकि मैंने बॉईल करते वक्त इसमें नमक डाला था। मसाले पकने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस थोड़ा सा, थोड़ी सी सोया सॉस। याद रखिएगा टोमेटो सॉस अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद एक अच्छा सा कलर आ जाता है। सॉस डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम बेबी कॉर्न उसमें डाल देंगे। ये देखिए, और सभी को ऐसे मिक्स कर लेंगे और हमारी क्रंची, ये देखिए हमारी क्रिस्पी क्रंची
चिली बेबी कॉर्न बनके तैयार हो चुकी है। उतारने से पहले हम हरी मिर्च डाल के अब गैस को बंद कर देते हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी धनिया के पत्ती से इसको गार्निशिंग कर लेती हूँ। ये हमारी क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न तैयार हो गई है। आइए आइए टेस्ट करके बताती हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।